राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए, अगर आप अज्ञात शत्रु बाधा से परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आता कोई अपना है या कोई शत्रु है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ से शत्रु आप पर हावी हो गए हैं, आपके हर कार्य बिगड़ते जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति से आपकी दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, हर व्यक्ति आपके खिलाफ होता चला जा रहा है, तो आज जो मैं आपको प्रयोग दे रही हूँ, एक दिन का प्रयोग है, इसे आप कीजिए। ये आपके अज्ञात भय को दूर करेगा, शत्रु बाधा को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल अरबजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, मैंने कमेंट सेक्शन में से एक जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, एक बार आपको वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, हो सकता है वो भाग्यशाली आप हो या ये प्रयोग आपके लिए नहीं है, मान लीजिए आपके लिए उपयोगी नहीं, तो आप इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, इससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञात भय हमें पैदा होने लगता है, शत्रु बाधा हमें पैदा होने लगती है, हमें लगता है जैसे हमारे अपने पराए सभी कुछ हमारे शत्रु हो गए हमारे जीवन में। कभी कभी ऐसी ग्रह दशाएं हमारी चलने लगती हैं कि हमारे हर कार्य में हमें लोगों की सुननी पड़ जाती है या वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। अब हमें एक व्यक्ति का तो पता नहीं, कोई एक व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मानसिक तनाव इतना अधिक हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं, फिर हमारा ध्यान उधर भटकने लगता है, काम से हट जाता है, और फिर इधर लगने लगता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमें इस तरह की परेशानियां दे रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चलने दे रहा है, या हमारे जॉब में इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है कि जहां हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं एक जो सरल प्रयोग देने वाली हूँ, एक ही दिन का प्रयोग है, लेकिन अगर आपको पूरी श्रद्धा हो, धैर्य हो, तभी आप इस प्रयोग को कीजिएगा। आपको श्रद्धा नहीं हो तो इस प्रयोग को मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में सबसे महाविद्या बताया है, जिसमें कि उनको शत्रु बाधा के लिए सिर्फ और सिर्फ बगलामुखी माता की आराधना की जाती है। ये मैं, क्योंकि गृहस्थ आप हम सभी गृहस्थ हैं, तो मैं आपको सात्विक पूजा दे रही हूँ, क्योंकि इसके तांत्रिक प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं, शत्रु बाधा के मारण मोहन उच्चाटन बहुत सारे होते हैं। हम गृहस्थ हैं, हम किसी का अहित नहीं करना चाहते और हम अपना भी अहित नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तंत्र के जो भी प्रयोग होते हैं, जो आपको मारण मोहन उच्चाटन आपको बताए जाते हैं, उनसे आप सामने वाले का तो अहित करते ही हैं, अपना भी अहित जरूर होता है। यह सात्विक प्रयोग है, इसे करने से ना तो आपका ही अहित होगा ना सामने वाले का, लेकिन हाँ, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, आपके जीवन में जो खुराफात कर रहे हैं वो सारी उनकी खुराफात बंद हो जाएगी, आपका जीवन शांत हो जाएगा, और माता बगलामुखी की कृपा से आपके घर में भी धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गुरुवार, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस गुरुवार को आप कर लीजिए। गुरुवार वाले दिन आपको पीले ही वस्त्र पहनने हैं, पीला ही आपको आसन लेना है, आपको एक पाटा या चौकी बिछानी है, उस पर पीले रंग का ही कपड़ा बिछाना है, एक पीतल की प्लेट ले लीजिए, पीतल की नहीं है तो तांबे की ले लीजिए, अब मान लीजिए वो भी नहीं है तो एक फिर स्टील की ही रख लीजिए, एक पीले कलर का कपड़ा रख लीजिए, रूमाल रख लीजिए पीले कलर का, प्रॉपर पीला होना चाहिए, माता की चुनरी पीले कलर की हो वो रख लीजिए, साटन का कोई कपड़ा है तो पीला वो रख लीजिए, एक हल्दी की गांठ रख लीजिए, एक लोटे में पानी रख लीजिए और एक दीपक जला लीजिए, क्योंकि मैं ये सात्विक पूजा करा रही हूँ, तो घी का दीपक जला लीजिए, पीले रंग का कलावे की बाती डालिए और एक चुटकी इसमें हल्दी डाल दीजिए, केसर हो तो केसर डाल दीजिए, बैठ जाइए अपने आसन पर, चौकी पर इसको रख लिया आपने, अपने घर के मंदिर के बाहर इस चौकी को रखिए और बैठ जाइए। अब जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आचमन की विधि, आचमन कर लीजिए, दीपक को जला लीजिए और दीप देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जब तक पूजा प्रार्थना चल रही है तब तक आप निर्विघ्न चलिए और मेरी पूजा प्रार्थना को सार्थक कीजिए, अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धोइए, क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अगर महिलाएं कर रही हैं तो अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र भी बोलेंगी, निवास स्थान तिथि बोलेंगी, उसके बाद अपनी
मनोकामना बोलेंगी कि किस अभिष्ट की कामना के लिए आप क्या चाहती हैं जिसके लिए आप ये प्रयोग करने जा रही हैं। बगलामुखी माता से प्रार्थना कीजिए कि हे बगलामुखी माता, मेरे जीवन के सभी शत्रु बाधाओं को दूर कर मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करें। इसने बोलने के बाद गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। गणेश जी का ध्यान आप किसी भी पूजा से पहले आपको जरूर करना चाहिए। गणेश जी विघ्नहर्ता गणेश हैं। गणेश जी की जब तक आप आराधना नहीं करेंगे आपको कोई पूजा पाठ नहीं लगेगी। तो गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कठिन मंत्र है, आप इसको स्क्रीन पर से उतार लीजिएगा। उसके बाद एक दिन की आराधना और एक ही माला आपको करनी है। अगर आपके पास हल्दी की माला है तो हल्दी की माला से कर लीजिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है तो आप कुछ चने की दाल के दाने रख लीजिए, उस पर गिनकर आप कर लीजिए। मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। आपको अपने किसी भी शत्रु का नाम नहीं लेना है, क्योंकि हमें ये सात्विक करना है। हम चाहते हैं उसकी वैसे ही बुद्धि पलट जाए, वो हमारे प्रति बैर भाव खत्म करके हमारे संग उसका प्यार जैसा प्यार का व्यवहार होने लगे। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। एक बार मंत्र मैं फिर से बोल रही हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। यह हल्दी की गांठ और जो आपने कपड़ा रखा है इस पर इस मंत्र का एक माला आप जाप कर लीजिए। उसके बाद अपने घर धूप दीप दिखा दीजिए अपने इस हल्दी की गांठ को, और इसको बांध कर अपने पूजन स्थल में ही रख दीजिए। अब नियमित इस मंत्र की आपको केवल और केवल 7 बार आपको जाप करना है। जब भी आप अपनी पूजा करें तो इस मंत्र का आप 7 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, और इस पोटली को वहीं रखा रहने दीजिए। आप इसको डेली धूप दीप दिखाइए। आपके कैसे भी छुपे हुए शत्रु होंगे, कैसी भी शत्रु बाधा होगी, जब नियमित आप इस मंत्र का 7 बार जाप करने लगेंगे ये शत्रु बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी, शत्रु आपके गायब होने लगेंगे, धीरे धीरे आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। और ये हल्दी की गांठ आपके घर में जब तक रहेगी तब तक आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई भी साया आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई तंत्र मंत्र का आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि एक कांच की प्याली में, ट्रांसपेरेंट कांच की प्याली में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, और इस मंत्र की 7 बार आपने इसमें जाप किया, पानी में 3 फूंक मारिए और इस पानी को अपने मेन गेट के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके आस पड़ोसी हैं या कोई व्यक्ति आपके ऊपर इस तरह की तंत्र क्रियाएं कर रहा है, आप पूरी तरह से कीलक हो जाएंगे, यानी कि आपका दरवाजा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। किसी की भी इतनी संभावना नहीं कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए। तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको जरा भी इस तरह की आशंका लग रही है तब आप इस मंत्र को आपको पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके करना चाहिए। आप सरकारी क्षेत्र में हो, आप बैंक सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, व्यवसाय में हो, होटल में हो, बिजनेस करते हो, आपको लगता है कि आपके छुपे हुए शत्रु हैं, उन्हें तो इस मंत्र की एक माला का जाप करने के बाद नियमित इस माला इसको 7 बार जरूर जाप करना चाहिए। जीवन से धीरे धीरे सारे शत्रु गायब होने लगते हैं आपके जीवन से, और धन दान की वृद्धि होने लगती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हूँ, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है जिन्हें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके दिन लकी होने लगते हैं, मन शांत होने की वजह से आपके सभी अटके कार्यों में आपको मार्ग दिखाई देने लगते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो जल्दी से आप रोग की चपेट में नहीं आते हैं। 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, आज का राहु काल है 2:10 से 3:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उसमें 2 बूंद देसी घी रखिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर छिड़किए, घर के मंदिर में रख दीजिए, और अपना पूजा पाठ करने के बाद इस गुड़ के टुकड़े को आप गाय को खिला दीजिए। अगर आपके यहाँ गाय नहीं है
तो आप इस टुकड़े को छोटा रखिए और उसके बाद ले जाकर किसी पेड़ की झाड़ियों में छोड़ दीजिए, और चाहे तो आप इसको स्वयं भी सेवन कर सकते हैं। ये एक प्रयोग आपको माता बगलामुखी की कृपा दिलाएगा, आपको बृहस्पति की कृपा दिलाएगा और आपके भाग्य का आपको साथ में यह लगेगा। आज का जादुई अक्षर है श, श शंकर वाला श। इस शाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए। मैं कहूंगी दोस्तों इसको हाथ पर ही लिखिए, जिससे ये 24 घंटे आपके साथ रहे। कागज की चिट पे आप लिखेंगे, आप किसी दिन भूल जाएंगे, किसी दिन बैग में रख लेंगे, किसी दिन पर्स में, तो उसका आपको इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की चट में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन शाही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी 15 जुलाई मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, उसी 9 नंबर को फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे, तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहे। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ में आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना एक क्वेश्चन जरूर लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। आप मुझसे अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहती हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप जीवन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, या आपको दाम्पत्य जीवन में तकलीफें आ रही हैं, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, किसी भी क्षेत्र से आपको संबंधित आपको मुझसे उपाय चाहिए तो आप जरूर मुझसे कंसल्ट कीजिए। दोस्तों आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है कमेंट सेक्शन से, वो क्वेश्चन है आज का अभिलाषा कुमारी 4/4/1987 11:55 PM रात के हरिद्वार, शादी कब होगी। अभिलाषा जी, शनि आपके लग्न में बैठा है मंगल की राशि में और मंगल बैठा है आपके सप्तम में। ये सबसे बड़ा आपकी कुंडली में जो कारण है जिसकी वजह से आपकी शादी में इतना विलंब हुआ। इसके साथ ही आपका चंद्रमा अष्टम में बैठा है, अभी आपकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। आपको विशेष उपाय ही करने पड़ेंगे तभी आपके विवाह के योग बनेंगे। अभी गुरु में राहु है, उसके बाद 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक, तब तक आप प्रयास कर लेंगी तो अब आपके लिए जल्दी योग बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी शनि की महादशा आ जाएगी तो फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो मैं कहूँगी एक बार आप पूरे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले लीजिए, जिससे के लिए आपके लिए विवाह के आपके योग खुल जाए। धन्यवाद दोस्तों। आप भी चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से कोई आप मुझसे सलाह चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में मैं आपको जो वीडियोस डालती हूँ अगर वो आपको लगता है कि किसी और के लिए काम किए हैं तो उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इन प्रयोगों करके लाभ ले सकें। अभी रिसेंटली कल मैंने आपको राशि अनुसार विवाह के उपाय डाले हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उस वीडियो के अनुसार राशि अनुसार अपने उपाय कर लीजिए, तब भी आपके विवाह के योग बनेंगे और जरूर बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के।